लॉजिकल क्लासिफिकेशन की जो है वो ट्रिक डिस्कस करेंगे, और हमने पीवाई की सीरीज भी चला रहे हैं, उसमें भी कुछ ट्रिक से डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम फंजाई के एग्जांपल्स और टाइप ऑफ स्पोर देखेंगे। तो सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज आप देख रहे होंगे, यह रहा फाइकोमाइसिटीज, जिसकी ट्रिक है आर ए एम राम, आर फॉर राइजोपस, ए फॉर अल्बुगो एंड एम फॉर म्यूकर। अल्बुगो पैरासाइटिक ऑन मस्टर्ड होता है, ट्रिक है आर ए एम राम। अब बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की, ए एस सी, इसको उल्टा सुल्टा करेंगे तो एस ए सी आ जाएगा, एस ए सी। एस ए सी का मतलब होता है सैक, सैक मतलब होता है बैग, तो सैक फंजाई भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये बैग की तरह ही दिखती है, होलो दिखती है। और सैक्रोमाइसिज, एस ए सी, तो एस ए सी से सैक्रोमाइसिज भी हो जाएगा, सैक्रोमाइसिज को हम यीस्ट बोलते हैं। अब इसकी जो पूरी ट्रिक है वो है एम टी कैन आस्क फॉर पिज्जा, एम टी से हो जाएगा मोरल्स ट्रफल्स जो एडिबल फंजाई है, एंड सी ए एन, सी फॉर क्लेविसेप, ए फॉर एस्पजिलस एंड एन फॉर न्यूरोस्पोरा। आस्क यहाँ पर इसलिए लगाया ए एस सी, इससे आपको मालूम चलेगा कि ये एस्कोमाइसिटीज है। फोर आप छोड़ दो, पेजिजा यानी पिज्जा, तो पिज्जा जो मैंने कहा वो पेजिजा है, पेजिजा एक फंजाई है, कप शेप्ड फंजाई होती है। अब कप शेप्ड है तो वो सैक में ही आएगी, होलो बैग में ही आएगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, इसलिए एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मैंने ले लिया, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखते हैं बैसिडोमाइसिटीज। बैसिडोमाइसिटीज को हम याद करते हैं बासी पुआ, ठीक है, बासी से आपको बैसिडोमाइसिटीज ध्यान आएगा, पुआ पी यू ए, पी फोर पक्सीनिया अस्टिलैगो एंड अगेरिकस। अब यहाँ ध्यान रखना है कि जो हमारा पक्सीनिया है वो है रस्ट फंजाई, रस्ट फंजाई, और जो अस्टिलैगो है वो हमारा स्मट फंजाई। पक्सीनिया को रस्ट फंजाई कैसे याद करेंगे, पक्सीनिया यानी पक गया, पक गया यानी कि रस्ट लग गई, वो चीज़ पक गई यानी ओल्ड हो गई, ओल्ड हो गई तो उसमें रस्ट लग जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं ड्यूटोमाइसिटीज की, तो इसका एग्जांपल है सी ए टी कैट, सी फॉर कोलिटोट्राइकम, ए फॉर अल्टरनेरिया एंड टी फॉर ट्राइकोडर्मा, ये हुए हमारे एग्जांपल्स। चलो आगे देखते हैं टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, टाइप ऑफ स्पोर्ट्स देख लेते हैं। अच्छा, उसमें सेक्सुअल स्पोर एंड असेक्सुअल स्पोर रहते हैं। सेक्सुअल स्पोर में हमारे जो फंजाई के नेम पर बेसिस, यानी एस्कोमाइसिटीज फंजाई है तो उसका जो मेन स्पोर होगा एस्कोस्पोर, वो सेक्सुअल होगा। बैसिडोमाइसिटीज हमारा फंजाई है तो उसका जो मेन स्पोर है बैसिडोस्पोर, तो वो सेक्सुअल होगा। अब दो बच्चे हैं ऊ स्पोर, अब ऊ स्पोर हम जानते हैं ऊ गैमी, तो ऊ गैमी जो वर्ड होता ही है सेक्सुअल के लिए, ठीक है, जैसे ऊसाइट हो गया ना, तो वो ऊ स्पोर जो होगा वो सेक्सुअल होगा। जाइगोस्पोर, अब जाइगो मतलब होता ही है जाइगोट, जो कि स्पर्म एंड ओवम से मिलकर बनता है, तो जायगोट भी सेक्सुअली होगा, ठीक है। तो ये तो आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है, वैसे लर्न हो जाएगा कॉन्सेप्ट से। अब हम बात करते हैं असेक्सुअल स्पोर की, तो असेक्सुअल में कोनिडियोस्पोर, ठीक है, कोनिडिया, ये पेनिसिलियम में लगता है एस्कोमाइसिटीज में, कोनिडियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है, और एप्लेनोस्पोर और जूस्पोर। ये ध्यान रखना, जूस्पोर और जायगोस्पोर में बहुत कन्फ्यूजन होता है। जूस्पोर जो है वो असेक्सुअल है, जू मतलब कि चलने वाला, जू मतलब कि चलने वाला, तो ये मोटाइल होता है। एप्लेनोस्पोर प्लेन है, चलता नहीं है, नॉन मोटाइल है। अब ये चारों जो थे वो असेक्सुअल के एग्जांपल हैं, ठीक है, कोनिडियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, एप्लेनोस्पोर मतलब नॉन मेटल, जूस्पोर, जू मतलब कि चलने वाला, लेकिन जू जो है वो सेक्सुअल नहीं है, सेक्सुअल हमारा जायगो है, जायगोट वाला, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें जो याद रखने वाली है, जो हमारा बेसिडोमाइसिटी जो होता है, बेसिडो जो स्पोर होता है ना, जो बेसियोस्पोर होता है, मैंने बताया था बासी, ये है बास, बास यानी कि जो स्मेल आती है इससे, तो इसका जो स्पोर है वो बाहर रहता है, यानी एक्जो रहता है, एक्जो, एक्जोस्पोर। और जो एस्कोमाइसिटीज होता है, एस्कोमाइसिटीज, एस्क यहाँ मैंने बताया था ये सेक फंजाई है, यानी होलो बैग, बैग वाली फंजाई है, तो बैग का मतलब क्या होता है, बैग में हम अंदर डालते हैं कोई भी चीज़, तो अंदर यानी एंडोस्पोर, तो ये एंडोस्पोर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आपका ये एंड होता है ट्रिक। अगर आपको पी वाई क्यू में भी ट्रिक आपको मिलेंगी, आप पी वाई क्यू सीरीज़ भी देख सकते हैं, ठीक है, 30 ईयर पूरे रहेंगे हमारे, वीडियो बाय वीडियो 10 मिनट की एक वीडियो रहती है, और फिर हम इसकी प्लेलिस्ट भी लगा देंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।